या संविधान न मानने वाले लोग भी जानते हैं कि संविधान को खत्म हम कर रहे हैं, और हमारे बहुजन समाज के लोग भी जान रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, लेकिन संविधान की हम जयंती मना रहे हैं, संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों को और भाजपा की सरकार को बड़ी दिक्कत आ रही है। जंतर मंतर पर तमाम लोग जो इकट्ठा हुए हैं संविधान को बचाने के लिए, और बाबा साहब का संविधान आज जो लिखा गया था और पारित हुआ था उसी के लिए आज यहां पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं। हमारे साथ कन्नौजिया जी हैं जो बहुजन समाज के बहुत बड़ा चेहरा भी हैं, बहुत कम आते हैं कैमरा पर, लेकिन आज उनसे मैंने दरख्वास्त की तो थोड़ा सा आ गए। तो सर, जैसे आज तमाम लोग यहां पर संविधान दिवस मना रहे हैं और लगातार संविधान को खतरे में बता रहे हैं, तो क्या वाकई में संविधान खतरे में है? मेरे समय से तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ रहा है। सबको जानकारी हो गया है, सारी ये चर्चा लोग कर रहे हैं पूरे भारत का, जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं या संविधान न मानने वाले लोग भी जानते हैं कि संविधान को ख़त्म हम कर रहे हैं, और हमारे बहुजन समाज के लोग भी जान रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है और खतरे में। ये बताने की जरूरत मुझको नहीं, सबको पता है, सिर्फ बचाने की ज़रूरत है। हम लोग बचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, जो जंतर मंतर में कार्यक्रम कर रहे हैं, और हो सकता है संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर क्रीम लोगों को बुलाया गया है, देश के प्रदेश हर प्रदेशों को लोगों को बुलाया गया है, और इस कार्यक्रम के बाद हर प्रदेशों में कार्यक्रम चलेगा। सावित्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कर्म चलने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज जो लास्ट में 2023 में इसका समापन होगा रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, और 10 लाख की भीड़ होगी, हर प्रदेश से लोगों को बुला करके, और वहाँ पर हम लोग विकल्प की घोषणा करेंगे। सावित्री जी विकल्प की घोषणा करेंगे कि अब बहुजन समाज को एक मंच पर आ करके और संविधान विरोधी जो संविधान को मिटाना चाहते हैं उसको रोकने के लिए या तो विकल्प के साथ मुझे खड़ा होना पड़ेगा या विकल्प बन करके मैं खुद आ रही हूँ। ये अभी आप कह रहे हैं कि खतरे में है और बचाना पड़ेगा, लेकिन तमाम जो पार्टीज है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी जो अब कहला रही है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, आप पार्टी हो, सब बाबा साहब का नाम लेकर के जो है संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की किताब लेकर चल रहे हैं कि भारत का संविधान, बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, तो ये सब भी तो कर रहे हैं संविधान को बचाने का काम। आज तक जो भी जानकारियाँ दी गई वो बाबा साहब की जयंती की दी गई, बाबा साहब की दी गई है, संविधान की भी जानकारी बहुजन समाज को नहीं दी गई है। अब संविधान की चर्चा होने जा रहा है, और संविधान की जब चर्चा हो रहा है तो उसमें लोगों को पता चलता जा रहा है कि हमारा अधिकार संविधान में, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, अब वो अधिकार संविधान में दिया है, तो संविधान की चर्चा नहीं हो रही है। बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं तो उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान की हम जयंती मना रहे हैं, संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों को और भाजपा की सरकार को बड़ी दिक्कत आ रही है। वो कहीं कहीं पर तो हमारा कार्यक्रम करने से हमारा परमिशन रोका जा रहा है, अभी रामलीला ग्राउंड में हमारा कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया, परमिशन नहीं दिया, तो हमको जंतर मंतर पर करना पड़ा है। अब सब है, डर सता रहा है क्या? बहुत डर है, संविधान से डर है, तथागत बुद्ध से डर नहीं है, कबीर से डर नहीं है, रैदास से डर नहीं है, बाबा साहब से डर नहीं है, कांशीराम से डर नहीं है, महात्मा ज्योतिराव फूले से जो बहुजन महापुरुष हैं उनसे कतई डर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि गली गली में प्रतिमा उनका लगाइए, उनका पूजा कीजिए, लेकिन संविधान की चर्चा नहीं कीजिए, इसलिए कि संविधान का चर्चा करेंगे तो उसमें अधिकार की बात है, अधिकार को जान जाएंगे तो अधिकार को जो जान जाता है अपनी लड़ाई लड़ता है, जो अपनी संपत्ति को जान जाएगा वो अपनी संपत्ति को बचाने का काम करेगा। बहुजन समाज में बहुत बड़ा तबका है जो कि वंचित है पढ़ाई लिखाई से, तो ये संविधान को आप घर घर कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, संविधान को घर घर हम पहुँचाएंगे और घर घर चर्चा कराएंगे, जिस तरीके से जंतर मंतर पर कार्यक्रम हो रहा है, इस तरीके बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, और हमारे लोग जो है इस कार्यक्रम से जो निकलेंगे वो संविधान की चर्चा करने के लिए गाँव तक जाएंगे, गाँव में जा करके गोष्ठी करेंगे, वो चौपाल लगाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, संविधान की प्रतियाँ बांटी जाएगी, प्रस्तावना की प्रतियाँ बांटी जाएगी, उसमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय जो बाबा साहब ने दिया है उस पर चर्चा करके उनको बताने का काम करेंगे, वो स्वतः जाएंगे। अच्छा सर,
सर एक सवाल और है मेरा, अभी मैम से भी मैं पूछती हूँ कि जिस तरीके से आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा संघ है और इतना तमाम युवाओं को बनाने में काम कर रहा है, तो एक बहुजन संगठन ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है, एकत्रित क्यों नहीं हो पा रहा है और ऐसा संघ क्यों नहीं बना पा रहा है? देखिए, ये संघ बनने जा रहा है, ये संघ बनने जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम के बाद आपके दिल्ली के तारकोटरा स्टेडियम में 26 मार्च को ये कार्यक्रम हो रहा है जो हम लोग करने जा रहे हैं सावित्री जी के नेतृत्व में, और देश के प्रदेशों से तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुला करके वहाँ संघ हम लोग बनाने जा रहे हैं। वो संघ जो बना करके उस संघ का नाम रखा जाएगा संविधान बचाओ बहुजन महासंघ, संविधान बचाओ बहुजन महासंघ। इसमें लोग आएंगे? ये लोग नहीं आएंगे, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वहाँ तो जगह नहीं है, कम है जगह। संघ में क्या, लेकिन क्या संघ में सिखाया जाएगा? नहीं नहीं, उस संघ में सिखाया जाएगा कि हमारा संविधान को बचाना है तो संविधान को बचाने के लिए हमको वोट तंत्र की तरफ जाना पड़ेगा, वोट तंत्र को हमको इकट्ठा करना है। वोट इसके लिए फिर एक दूसरा कार्यक्रम होगा 2023 में, जहाँ पर पूरे भारत के लोगों को बुलाया जाएगा और बुला करके वहाँ घोषणा की जाएगी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हमको नकारना है, रोकना है और संविधान को बचाने के लिए विकल्प के तलाश करना है। मैम, जैसे अभी तमाम बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी, तो एक ओबीसी वर्ग क्यों अलग चला जा रहा है और अलग वर्ग जा करके बीजेपी को वोट कर रहा है, क्यों एकत्रित नहीं हो पा रहे ये वर्ग? देखिए, भारत में ओबीसी समाज के लोगों का भी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिसको लेकर पिछड़े वर्ग के नेता हमारे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, देश भर में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए बहुजन ओबीसी समाज के नेता भी अब साथ में खड़े हैं। और जो 26 नवंबर 2023 को जो कार्यक्रम होगा उसमें बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के नेता उस मंच पर होंगे, और 6-7 तारीख को दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है रामलीला मैदान में, उसमें ओबीसी समाज के ही नेता उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही पिछड़े वर्ग के ही नेता ने ही कार्यक्रम को रखा है, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग रामलीला ग्राउंड में 6-7 के कार्यक्रम में रहेंगे और वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को परिनिर्वाण दिवस को सल्यूट किया जाएगा और बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर बहुजन समाज के लोग चलेंगे और बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के नेता अब हमारे आगे आ रहे हैं। और वो आज के नहीं, वो चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबाराव फूले जी रहे हों, चाहे वो साहू जी महाराज जी रहे हों, चाहे वो ललित सिंह यादव जी रहे हों, और आज भी बड़े पैमाने पर पिछड़ी जाति के नेता अब संविधान को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा, कल जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एससी एसटी, मैम एक सवाल आखिरी, कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एससी एसटी आयोग की तरफ से जो है एक प्रोग्राम किया गया, अंजू बाला बहुत बड़ा चेहरा बन के आई है, महिलाओं के विकास की बात कर रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भैया विकास, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एससी आयोग में कोई भी ऐसा बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं है और वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग जो हैं वो आप भी जानते हैं कौन लोग हैं, लेकिन वहाँ एससी आयोग में उन तमाम लोगों की जो लेकर आते हैं अपनी दुविधाएं, वहाँ तो देखी ही नहीं जाती है, कॉर्पोरेट हाउस हो गया है क्या वो? देखिए, भारत में बहुजन समाज के महिलाओं के साथ जघन अपराध हो रहे हैं और एससी एसटी कानून भी बना है, उसका आयोग भी अलग से है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कहीं भी आयोग से उनको रिलीफ नहीं मिल रही है, कहीं उनको मदद नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से कथनी और करनी में अंतर है बीजेपी के, जो कहती वो नहीं करती, वो चुप रहकर समाज के साथ धोखा करती है, जिसको लेकर के समाज आज चिंतित है और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति चिंतित हैं। चलिए, तो अभी ये हमारे साथ सावित्री बाई फूले जी थी और कन्नौजिया जी थे, जो तमाम बहुजन समाज को लेकर एक साथ चल रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, रीजनल पार्टी एक साथ आ रही है, तमाम संगठन को एक साथ लेकर के एक मंच पर लेकर के संविधान बचाने की जो इनकी तैयारी है वो आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और संविधान दिवस को मना रहे हैं और ऐसे ही घर घर जा कर के एक संविधान दिवस और संविधान की प्रतियां बांटी जाएंगी और बहुजन समाज को जागरूक करने का काम ये लोग करेंगे। रीजनल पार्टी सारी एक साथ आएगी और बहुजन समाज बहुत जल्द
एक ऐसे पद पर पहुंचेगा जहां पर आज सत्ता में सरकार बैठी हुई अपने दावेबाजों से भूल जाती है और बहुजन समाज शायद जाग रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।